सब लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए अमूल्या में क्या समाधान है? लीवर के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि लीवर हमारा एक मेन ऑर्गन होता है, यहीं से चेक होके हर खाना हमारा अंदर जाता है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसी ग्लैंड है जो सारे सिस्टम को हमारे कंट्रोल करके रखती है। तो अगर हम जब बहुत ज़्यादा हमारे अंदर खाना सही नहीं जा रहा, ओवर फ्राइड हम खा रहे हैं, हम अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, हम गलत जूसेस, गंदे जहाँ फ्लीज या मक्खियाँ हैं, कुछ ऐसा हेपेटाइटिस से रिलेटेड जब हमारे अंदर वायरस जाने शुरू हो जाते हैं, तो इन सब रोगों का लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लीवर एक हद तक तो हमारी चीज़ों को, सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन जब ओवरलोड टॉक्सिन्स उसके ऊपर चले जाते हैं तो लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो लीवर केयर जो हमने कैप्सूल स्टार्ट किए हैं, इसका जो एक मेन कंटेंट है वो है भूमि आंवला एंड कुटकी। भूमि आंवला और कुटकी ऐसे कंटेंट हैं कि जो अगर आपका लीवर 20-30% भी डैमेज हो गया तो उसको ये सर्वाइव कराना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा लीवर टॉनिक है, और ख़ास तौर पे जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं और उनका लीवर बहुत हद तक डैमेज हो चुका है, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशली बहुत अच्छा है। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसके बेस्ट रिजल्ट्स आप अपने फील देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये लोगों में पता कैसे चलता है कि उनके लीवर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? हाँ जी निधि, उनको भूख लगनी कम शुरू हो जाती है, फर्स्ट उनकी स्किन पेल होनी शुरू हो जाती है, और एक जो मेन साइन होता है कि उनका जो स्टूल होता है वो क्ले जैसा हो जाता है, मिट्टी कलर का होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से पता चलना शुरू हो जाता है कि अब उन्हें लीवर जो है उनका लीवर की प्रॉब्लम है, और उनका जो है यहाँ से जॉइंडिस भी इंडिकेट होता है कि हाँ कुछ पीलिए की प्रॉब्लम यहाँ से आनी शुरू हो गया। तो उनको भूख कम लगती है, उनको राइट साइड में लीवर होता है तो यहाँ पे उन्हें हैवीनेस और टेंडरनेस उन्हें फील होती है। तो ये सब ऐसे सिम्टम्स हैं जहाँ से हमें इंडिकेशंस मिल जाती हैं कि इस बंदे को जो है लीवर के ऊपर अब इफेक्ट होना शुरू। और डॉक्टर साहब, ये हमने कैप्सूल्स लेने कैसे? निधि, ये कैप्सूल जो है 1 से 2 कैप्सूल डेली लेने होते हैं, सुबह खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद ये 2 कैप्सूल्स ये सफिशेंट होते हैं। और ये इसको पानी के साथ लेना है या दूध के साथ? जी जी जी, ये पानी के साथ ही प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी हैं? जो लीवर जिसका डैमेज हो चुका हो उसको बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, उसे हैवी फूड्स से अवॉइड करना चाहिए, उसे तला हुआ, अगर वो और ज़्यादा ओवरलोड अपने लीवर के ऊपर डालता रहेगा तो ये चीज़ें उसकी जो है उसकी डाइट, हाँ जी उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, उसकी डाइट एक सात्विक डाइट होनी चाहिए जिसमें फल सब्जियाँ और सैलड ये सब हो, जाके लीवर के ऊपर ज़्यादा को प्रभाव ना पड़े उससे।